Shapoorji Palonji Engineering and Construction 150 सालों से निर्माण की एक जानी मानी कंपनी है। अपने कार्य के इस विरासत को बनाए रखने के लिए Shapoorji Palonji ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस के द्वारा कामगारों को काम करने के सटीक एवं सुरक्षित निर्माण के बारे में सूचित करता है, ताकि संपूर्ण सुरक्षा के साथ काम हो और अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं इंटरनल या अंदरूनी दीवार सतह पर पेंटिंग करने का वीडियो और सीखते हैं इस कार्य के उचित कौशल। दोस्तों, निर्माण कार्य में पेंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सतहों को पेंट या रंग का उपयोग करके फिनिशिंग दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बिल्डिंग की भीतरी सतहों पर पेंट या रंग करने की सही प्रक्रियाएं क्या होती है, और आपको यह भी बताया जाएगा कि पेंट करने के लिए सतहों को किस प्रकार तैयार किया जाता है और उन पर पेंट या रंग चढ़ाने की सही प्रक्रिया क्या होती है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कार्य के दौरान आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जिससे कि इसकी गुणवत्ता पर कोई बुरा असर पड़े। दोस्तों, आप सभी का आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो या आपके काम करने का तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले हादसों में ये जरूरी नहीं है कि गलती आप ही की हो। इसलिए साइट पर अपना पीपी जरूर पहने हमेशा। क्वालिटी टॉक के माध्यम से कामगारों को निर्माण के अलग अलग कार्य को उचित गुणवत्ता के साथ करने की प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि कोई भी विशेष कार्य करने के दौरान कामगारों को किस विषयों पर ध्यान देना चाहिए ताकि कार्य में गलतियां कम हों। दोस्तों, पेंटिंग निर्माण सतह को अलग अलग रंग और बनावट से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया है। निर्माण की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ पेंट सतह को बाहरी प्रभाव से बचाने का भी काम करता है। अंदरूनी दीवार सतह पर अलग अलग प्रकार के पेंट जैसे डिस्टेम्पर, लस्टर, इमल्शन आदि के उपयोग होते हैं। इस वीडियो में हम बिल्डिंग के अंदरूनी दीवार सतह को इमल्शन पेंट किए हैं और पेंट करने से पहले सतह को तैयार करने और उस पर पुट्टी के आवरण बनाने के कौशल भी दिखाए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हर कार्य के बीच बताए गए समय के अंतर सामग्री निर्माता के निर्देश अनुसार है, इसलिए कार्य के दौरान निर्माता द्वारा दिए गए निर्देश पर ध्यान दें, जो कि वीडियो से अलग हो सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि कार्य से जुड़ी मूल सामग्री जैसे वॉल पुट्टी को कैसे रखा जाता है और उनका स्थानांतरण कैसे किया जाता है। पुट्टी बैग को हमेशा जमीन से कुछ ऊपर प्लेटफॉर्म बनाकर संगठित रूप से ढेर बनाकर रखें। ढेर कभी भी टेढ़ी या ज्यादा ऊंचता के नहीं होने चाहिए। पुट्टी को हमेशा सूखे स्थानों में अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि वहां पानी आने की संभावना ना हो। पुट्टी बैग्स को बिना ढके खुले स्थानों पर या जमीन के ऊपर नहीं रखने चाहिए। बैग ज्यादा वजन के हो तो उसे सुरक्षित तरीके से उठाकर ठेला गाड़ियों से दूसरी जगह ले जाएं। इस कार्य में हम दिखाए गए औजारों का उपयोग करेंगे। पेंटिंग कार्य शुरू करने से पहले कुछ विषयों को सुनिश्चित कर लेना जरूरी है। पहले सुनिश्चित कर ले कि वैद्युतिक और प्लंबिंग आदि के कार्य समाप्त हो गए हो। प्लास्टर हुए दीवार पर दरार या डैम्प नहीं रहने चाहिए। पेंट होने वाले दीवार के प्लास्टर सतह की सही संरेखन की जांच करें। इसमें अंतर मिलने से सही तरीके से ठीक कर लें। पेंट ना होने वाले सतह जैसे दरवाजे, खिड़की आदि को सटीक आवरण से ढक कर सुरक्षित करें ताकि वो खराब न हो। कार्य के लिए सही मचान या प्लेटफॉर्म मौजूद है ये सुनिश्चित कर ले। पेंट लगाने से पहले
जांच ले कि फर्श के कार्य हो गए हो और फर्श पूरी तरह से सुरक्षित है। पेंट लगने वाले दीवार सतह को पहले पुट्टी लगाने के लिए तैयार कर लेना पड़ता है। दीवार प्लास्टर सतह से पहले धूल, सीमेंट मसाला आदि को हटाकर सही रूप से साफ कर ले। सफाई हो जाने के बाद सैंड पेपर से घिसकर प्लास्टर सतह को चिकना बना ले। यहाँ प्लास्टर नए और अच्छे थे तो हमने पहले 120 ग्रिट के और बाद में 150 ग्रिट के सैंड पेपर का उपयोग किया है। पुराने प्लास्टर या ज्यादा रफ सतह में कम यानी 80 या 100 ग्रिट के पेपर से घिसकर फिर ज्यादा ग्रिट के पेपर का उपयोग करें। वैद्युतिक बॉक्स आदि को ठीक तरह से बंद कर दें। घिसने के दौरान बने धूल को दीवार सतह से ब्रश से निकाल दें। अब पानी से धोकर सतह को साफ करें। पुट्टी पेस्ट बनाने में दिखाए गए यांत्रिक मिक्सर का उपयोग करें। दिखाए गए तरीके से पुट्टी पाउडर को एक साफ कंटेनर में मिक्स करें। पुट्टी निर्माता द्वारा बताए गए मात्रा में पुट्टी पाउडर के साथ पानी मिलाएं और मिक्सिंग शुरू करें। मिक्सिंग करने के दौरान ध्यान रखें कि पाउडर के लंप ना बन पाए और एक रूप से पेस्ट बने। पुट्टी को तब तक मिक्स करें जब तक एक समान क्रीम जैसा कंसिस्टेंसी ना प्राप्त हो। एक बार में इतनी ही पुट्टी बनाएं जो कि 2 घंटे में उपयोग हो सके। उपयोग करने से पहले बने पेस्ट को कम से कम 10 मिनट तक छोड़ दें। दोस्तों, अब हम तैयार दीवार सतह पर पुट्टी के 2 कोट एक के बाद एक लगाएंगे। कुछ पुट्टी निर्माता पुट्टी के फर्स्ट कोट लगाने के पहले दीवार सतह पर प्राइमर की कोटिंग लगाने का निर्देश देते हैं। प्राइमर की कोटिंग लगाने हो तो प्राइमर लगाने के 24 घंटे बाद ही पुट्टी के फर्स्ट कोट लगाना शुरू करें। इस वीडियो में हम निर्माता के निर्देश अनुसार फर्स्ट कोट पुट्टी लगाने के पहले दीवार सतह को हल्के से गीला कर लिया है। अब दिखाए गए तरीके से पुट्टी ब्लेड के सहारे पुट्टी को दीवार पर लगाते रहें। फर्स्ट कोट पुट्टी को हमेशा खड़ी दिशा में लगाएं। दिखाए गए तरीके से पुट्टी लगाते रहें।
फर्स्ट कोट पुट्टी लग जाने के बाद उसे 24 घंटे तक सूखने दें। पुट्टी के दोनों कोटिंग के बीच समय के अंतर निर्माता के निर्देश अनुसार रखें, जो यहाँ 24 घंटे हैं। फर्स्ट कोट पुट्टी के सूखे सतह को अब हल्के से घिसकर चिकना करें। इसमें 150 से 180 ग्रिट के सैंड पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब पुट्टी के सेकंड कोट लगाना शुरू करें। सेकंड कोट को फर्स्ट कोट के आड़ी दिशा में लगाया जाता है ताकि दीवार सतह में कोई धब्बे की निशानी या अंतर ना बन पाए। दोस्तों, पुट्टी के दोनों कोट मिलाकर मोटाई 1.5 से 2 मिलीमीटर के अंदर रहना चाहिए। ज्यादा मोटाई की पुट्टी लगाने से इसमें दरार या क्रैक आ सकते हैं या पुट्टी दीवार से निकल भी सकता है। दीवार के कोण को दिखाए गए तरीके से बना ले। सेकेंड कोट पुट्टी होने के 2 दिन बाद दीवार सतह को हल्के से घिसकर सतह को फिर से चिकना करें। इसमें 220 या उससे ज्यादा ग्रिट की सैंड पेपर का उपयोग करें। घिसने के बाद दिखाए गए तरीके से LED हैलोजन की उज्जवल लाइट को दीवार सतह पर डालें। इससे सतह में अंतर हो तो दिख जाएगा। सतह पर अंतर मिलने से सैंड पेपर से दोबारा घिसकर या पुट्टी लगाकर सतह को टचअप दें और बिल्कुल एक लेवल पर ले आएं। सेकेंड कोट पुट्टी लगाने के कम 3 दिन बाद दीवार सतह पर प्राइमर का एक कोट लगाएं। दोस्तों, पेंटिंग में उपयोग होने वाले पेंट अगर एक्सपायरी डेट के अंदर रहे तो ही उसे उपयोग करें। उपयोग होने वाले पेंट की निर्माता के नाम, ब्रांड, शेड और पेंट के प्रकार कार्य के निर्देश से मिलाकर ही उपयोग करें। पेंट के डब्बे हमेशा उपयोग के पहले खोले जाते हैं। पहले से खोले हुए डब्बे के पेंट को सुनिश्चित होकर ही उपयोग करें। सूखे हुए या खोले हुए पेंट का उपयोग ना करें। दीवार पर पेंटिंग करने से पहले छत पेंट हो जाना चाहिए। प्राइमर सूख जाने के बाद रोलर ब्रश के सहारे अनुमोदित इमल्शन पेंट के फर्स्ट कोट दीवार पर लगाएं। दीवार के किनारे, अंदरूनी कोण, स्विच बॉक्स, छत
और दीवार के जॉइंट में ब्रश से पेंट लगाएं। इसके बाद खिड़की, दरवाजे आदि में लगने वाले सीलेंट डालने के कार्य कर लें। फर्स्ट कोट सूखने के बाद दिखाए गए तरीके से रोलर ब्रश से दीवार सतह पर सेकेंड कोट लगाएं और पेंटिंग कार्य खत्म करें। दोस्तों, कार्यस्थल पर जमा हुए कचरे को सही तरीके से साफ करके उसे निर्धारित स्थान पर फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, आपके कार्य की गुणवत्ता काफी हद तक आपके औजारों पर निर्भर होती है, इसलिए कार्य के अंत में औजारों को अच्छे से साफ करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वाटर बेस्ड पेंट का उपयोग किया गया हो तो ब्रश या रोलर को पानी से धो लें। लेकिन ऑयल बेस्ड पेंट उपयोग हो तो ब्रश या रोलर को पहले पेंट थिनर से और बाद में पानी से धोएं। सफाई के बाद ब्रश या रोलर को अवश्य सुखा लें। दोस्तों, हमने इस वीडियो के दौरान आपको ये बताया कि पेंटिंग करने की सही प्रक्रियाएं क्या होती है, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि इस कार्य के दौरान कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। दिखाए गए सारी प्रक्रियाएं पेंटिंग की क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई इन सभी प्रक्रियाओं का आप कार्यस्थल पर सही उपयोग करेंगे। गुणवत्ता अपनाइए, सुरक्षित रहिए।